पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर काकड़ का कहना है कि उनके छोटे भाई की नज़र इंजेक्शन लगवाने से चली गई है। ये इंजेक्शन दुनिया भर में ममनू करार दिया जा चुका है। तफसील की जाएगी कि तहकीकात की जाएंगी कि इंजेक्शन इंपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी थी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई की आँखें इस इंजेक्शन लगाने की वजह से चली गई। हमारे साथ तो जो होना था वो होना था वो हो गया। अब इसको दूसरे लोग अगर बच सकते हैं तो उनको बचाना। देन मैंने ट्वीट भी कर दिया, फिर मैंने उसके बाद वो वहाँ पे ये किया कि मैंने मिनिस्टर हेल्थ से बात की, जो डॉक्टर जावेद अकरम है, उन्होंने फौरी तौर पर इसको ऑर्डर कर दिया इंक्वायरी का। और साथ उन्होंने कहा कि इस इंजेक्शन का जितना भी स्टॉक है उसको उठा लिया। 2011 में इसी वजह से जो लोग ब्लाइंड हो रहे थे, लोगों की बिनाई जा रही थी, अमरीका में बैन हुआ और 2016 में इंडिया में बैन। और अगर इधर आ रहा है तो असल सवाल तो ये है कि जाली बनाना तो उससे अगला अमल है, लेकिन अगर आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, किसने इसको इजाज़त दी है, समग्र होकर आ रहा है। इंक्वायरी कमेटी उन्होंने कायम की है, वो अपना काम कर रही है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है।